डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक के किए हैं। चलिए आज आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले ये सॉल्यूशन है, आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं क्या बोला जा रहा है। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष का केंद्र मानकर त्रिभुज को भुजा को आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसा कि आकृति देख पा रहे होंगे, ये वाला में है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और इसका आधा, इसका भुजा जितना है, आधा को लेकर तीनों कोना से, तीनों शीर्ष से तीन गो वृत्त खींचा गया है। और ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तब बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान दीजिए, ये वाला बीच में छायांकित भाग है। इसमें जो है पाई का मान 3.14 रखना है और रूट थ्री का वैल्यू 1.73205 लीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। सवाल में ऐसा फिगर दिया हुआ है, फिगर आप में बुक में फ्रेश होगा तो फिर बुक से ही उतार लीजिएगा फिगर, नहीं तो यहाँ से उतार सकते हैं। यानी कि एक त्रिभुज है ए बी सी, यह एक समबाहु त्रिभुज है और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में भुजाएं जो है बराबर होती है तीनों, और तीनों कोण का मान 60-60 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये लिख दीजिएगा। ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान कितना यूज करना है, तो 3.14। रूट थ्री का वैल्यू इतना दिया है। सबसे पहले हम क्यों ना इसका भुजा निकाल लें। भुजा निकालने से फायदा क्या होगा कि भुजा का आधा करेंगे तो वृत्त का त्रिज्या पता चल जाएगा, और जब त्रिज्या पता चलेगा तब ना पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिज्यखंड, ये वाला त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, तीनों त्रिज्यखंड को घटा लेंगे तो बीच वाला छायांकित निकल जाएगा। यानी कि हमको सवाल में छायांकित भाग ही का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग तो बीच में है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए पूरा त्रिभुज में से ये तीन गो त्रिज्यखंड को घटा लेंगे तो बीच में छायांकित निकल जाएगा। चलिए, तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे तो हमको दिया है 17320.5। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो रूट थ्री बाई फोर गुना में भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, बराबर 17320.5। अब ये रूट थ्री बाई फोर है, इधर गया तो पलट जाता है 4/√3। अब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर छोड़ दीजिए, रूट थ्री का मान यहाँ दिया था, इसको रख दिए, पॉइंट हटा तो ऊपर चल गया इतना जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो नीचे चल जाएगा, काट उठ के भुजा का स्क्वायर इधर आ गया 40,000। अब ये भुजा का स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, रूट चढ़ा दिए तो इसका वर्गमूल आ गया 200 सेंटीमीटर। यानी कि एक भुजा हमको पता चल गया कितना, 200 सेंटीमीटर। जब भुजा 200 पता चल गया तो इसका त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 200 का अधिया कर देंगे, तो 200 का अधिया यानी कि 200 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। जब त्रिज्या इसका 100 सेंटीमीटर हो गया तब हमको तो काम हो गया, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखिएगा ए बी सी का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का है क्षेत्रफल, और माइनस कर दिए 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुने त्रिज्यखंड, क्योंकि एक गो त्रिज्यखंड बन रहा है, दूसरा त्रिज्यखंड और तीसरा त्रिज्यखंड, 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल तो सवाल में दिया है, रख दीजिएगा, और माइनस 3 गुने, 3 क्यों, क्योंकि त्रिज्यखंड 3 गो था, तो 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो थीटा के जगह पे 60, क्योंकि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का कोण जो होता है 60 डिग्री होता है, तो 60/360। और पाई, तो पाई का मान कितना सवाल में बोल रहा था, 3.14, आर का स्क्वायर, तो त्रिज्या निकाले ना है, त्रिज्या कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको वैसा ही छोड़ दीजिएगा, और माइनस पहले ना इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है, इसका जितना सॉल्यूशन करके आएगा उसको घटा लीजिएगा और ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। ये देखिए ए बी सी डी एक रुमाल है जो कि वर्गाकार है, यानी कि इसका चारों भुजा क्या है, बराबर है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, इसका चारों भुजा क्या है, बराबर है। और इसके अंदर 9 गो जो वृत्त बना हुआ है डिजाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि वृत्त जो बना हुआ है टोटल 9 गो वृत्त बना हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसके अंदर के 9 गो वृत्त बने हुए हैं ये डिजाइन के फॉर्म में, जिनमें से प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। देखिए इसका भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, सब वृत्त जो 9 वृत्त बना है ना, तो 9 का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। आकृति 12 पॉइंट दोनों, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। शेष भाग का मतलब कि जो डिजाइन वाला छोड़ के, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना, डिजाइन वाला को छोड़ करके हमको क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर हम पहले से ड्रॉ किए हैं ताकि आपका समय ज़्यादा ना ले। आपका ये फिगर है, एक तरह का ए बी सी डी एक वर्गाकार रुमाल है, ठीक है। इसके अंदर के 9 गो वृत्त है, 9 गो वृत्त में सभी वृत्त की त्रिज्या हम लोगों को 7 है। आप देखो यहाँ से यहाँ तक 7 हुआ, ए गो वृत्त में टोटल 14 व्यास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के 7, यहाँ से यहाँ तक के 7, तो 7 7 मिलकर 14। उसी तरीके से इसका भी हम लोगों को पता चल जाएगा, 14 दुनिया 28, इसका व्यास 14, तो 14 14 14। अगर ई वाला टोटल, देखो त्रिज्या बोल रहा है 7 लेने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, इसका डबल करेंगे तो 7 दुना का 14, और फिर इसका 14, फिर इसका 14, तो 14 3 42, यानी कि 42 सेंटीमीटर हम लोगों का क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है भाई, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होगा, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 14 सेंटीमीटर हम लोगों का क्या होगा, व्यास, ठीक है। अब हम लोगों को वर्ग का भुजा निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा करने के लिए एक भुजा में 1 गो 2 गो 3 गुना वृत्त लगता है, चाहे कोई देखिए, इधर से भी भुजा निकालने के लिए 3 गो वृत्त है, इधर से भी 3 गो वृत्त लग रहा है, तो 1 गो वृत्त का 14, तो 3 गुने 14, 3 गो वृत्त के लिए हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। यानी कि पूरा जो है, इस पूरा एबीसीडी का अगर निकालना होगा, तो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। हमको जो है डिजाइन को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे, और यहाँ पे हमें नहीं लिखा है कि पाई का वैल्यू कितना यूज करना है, तो पाई का वैल्यू जब नहीं लिखा रहता है तो कितना यूज करेंगे, 22/7। तो कुल मिलाकर वर्ग की भुजा हो गया 42 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे 9 गुने वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, यानी कि जितना वर्ग का क्षेत्रफल है माइनस वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, कई गो वृत्ताकार है, 9 गो, तो 9 को अगर घटा लेंगे तो शेष हम लोग को पता चल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, तो इसके लिए फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 9 गुने वृत्त का डिजाइन का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। भुजा का स्क्वायर करिएगा तो 42 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का भुजा तो 42 है, माइनस 9 गुने पाई का मान कितना होगा, 22/7। आर का स्क्वायर, तो आर कितना है, त्रिज्या कितना है वृत्त की, 7, तो 7 के स्क्वायर। तो कुल मिलाकर 42 का स्क्वायर करना है माइनस 9 गुने 22/7 गुने 7 का स्क्वायर, का मतलब कि 7 2 बार आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर 42 का स्क्वायर कर दीजिएगा जितना आएगा, और 9 गुने 22 गुने 7, ठीक
ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा और इसका 42 का स्क्वायर में से इसको घटा लीजिएगा, और जितना घटा के आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों को आंसर आ जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, तो दोस्त ये था हम लोगों को 10 और 11 नंबर क्वेश्चन। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।